नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लीला से किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आपकी शिकायत पहले होती थी कि कई बार 5-6 कॉल करने के बाद ही यहां से कॉल उठाया जाता है या हेल्पलाइन नंबर काफ़ी बिजी आता है, तो इसका क्या समाधान है? हमने आपकी शिकायतों को ध्यान में रख करके काफ़ी बदलाव किए हैं। उसी बदलाव के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, देखिए, पूरे कॉल्स को मेरे लिए उठा पाना संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि कब आप मुझसे बात कर पाएंगे, कब हमारे स्टाफ फ़ोन को उठाएंगे, कब IVR एक्टिवेट रहेगा। साथियों, हमने 3 चीज़ों को अपने सिस्टम में एक्टिवेट किया है। एक सबसे पहला चीज़ यह है कि लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के अंदर अब कॉल को हमारे स्टाफ पे पिक करते हैं। उनका टाइमिंग है 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, यानी सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक यदि आप कॉल करते हैं तो लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के जो ट्रेंड स्टाफ हैं वह आपके कॉल को पिक करेंगे और जो भी आप बात करेंगे उनसे वह कॉल रिकॉर्ड होता है। और यदि कोई इम्पॉर्टेंट बात हो या आपको मेरे से बात करना उस वक्त अनिवार्य हो या आप चाहते हो कि आपको उसी समय डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है आगे और उसके लिए आपको मेरे से बात करना ज़रूरी है, तो आप अगर हमारे स्टाफ को बोलेंगे तो वह कॉन्फ्रेंस कॉल भी करा सकते हैं और कॉन्फ्रेंस करा करके उसी टाइम पर हम मुझसे बात भी करा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो 6 बजे के बाद से 8 बजे तक यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो 6 से 8 आप डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं और 8 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक जो यह नंबर होगा वो IVR सिस्टम के ऊपर होगा। इस IVR सिस्टम के ऊपर यह होगा कि आप प्रेस 1 करके, यानी 1 प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है। यदि आप 2 प्रेस करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यदि आपको लीगल एडवाइस लेना है तो आपको कैसे लेना है। अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यदि आप लीला के किसी एडवोकेट को हायर करना चाहते हैं तो कैसे हायर कर सकते हैं। और अगर आप 0 प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली हमसे उस वक्त भी बात कर सकते हैं, लेकिन रात के समय में काफ़ी कम स्टाफ होते हैं तो संभव है कि वह नंबर रात को बिजी जाए तो आपका कॉल जो है वॉइस मेल पे चला जाए, वहाँ पे आप अपने मैसेज को रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिसको अगले दिन हमारे स्टाफ सुनेंगे और सुन करके आपको कॉल बैक करेंगे और कॉल बैक करके आपकी समस्या के विषय में बात करेंगे। तो यह तो हो गया शाम को IVR के लिए। सुबह में भी आप सुबह में 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप मुझसे इसी हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं और मैं आपसे यह आग्रह करूँगा कि इस हेल्पलाइन नंबर पर जो शाम को मैं बात कर रहा हूँ, जो 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक और सुबह में 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, इस टाइम पे आप तभी आप बात करें। जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ना बात करें, आप जनरल जानकारी के लिए ना बात करें, क्योंकि यदि आप इस समय जनरल जानकारियों के लिए बात करेंगे तो संभव है कि मैं आपके कॉल को ना अटेंड कर पाऊँ या अटेंड अगर हो भी जाए तो मैं आपसे बात ना कर पाऊँ, क्योंकि इस समय हम प्राथमिकता ऐसे कॉल्स को देंगे जिन्होंने या तो शादी के लिए बुकिंग करा ली है या फिर लीगल एडवाइस के लिए या लीगल कंसल्टेंसी के लिए उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है या फिर वो हमारे पुराने क्लाइंट हैं और उनसे बात करना आवश्यक है। तो इस समय पे हम प्राथमिकता देते हैं ऐसे लोगों से बात करने के लिए जो इस परिधि में आते हैं। बाकी और चीज़ों को जो समझना आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप जो डे टाइम है या IVR पे आप अपने मैसेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी बात करना ज़रूरी हो और आपको लगे कि एक बार बात करके ही आप अपने संतुष्ट हो सकते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर से यह अपील करूँगा कि आप इस टाइम पे कॉल ना करें और कॉल करने से बचें। एक और हमने नया प्रोविज़न स्टार्ट किया है कि जो भी लोग, जो भी हमारे क्लाइंट जो हमें कॉल करते हैं, यदि उन्होंने हमसे, जैसे मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं जो मैरिज के लिए बुकिंग कराते हैं, अगर आपने शादी के लिए बुकिंग करा ली है तो हम आपको एक नया नंबर देंगे, एक नया मोबाइल नंबर देंगे जो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर होगा,
आप उस नंबर पर मेरे से 24 आवर कभी भी आप बात कर सकते हैं। रात में फ़ोन नहीं उठेगा, लेकिन जब भी डे टाइम होगा आप मेरे से कभी भी उस नंबर पर डायरेक्टली बात कर सकते हैं। यदि आपने लीगल एडवाइस के लिए पेमेंट कर दिया है तो आपको भी वह नंबर दिया जाएगा और उस नंबर पर आप मुझसे कभी भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारी कोशिश यह थी कि हम इसके माध्यम से चीज़ों को ज़्यादा सिंप्लीफाई करें और ऐसे करें जिससे कि आसानी से आप मुझ तक पहुँच सकें। एक और बात मैं आप बताना चाहूँगा कि जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8800444555, यह नंबर व्हाट्सएप पे भी है और पेटीएम पर भी है। अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो वह व्हाट्सएप मैं डायरेक्टली देखता हूँ। यदि आप ईमेल करते हैं leadindialaw@gmail.com पर भी आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं और हम आपको उस पर भी कोशिश करेंगे कि जो संभव हो वो आपको जवाब दें। तो दोस्तों, ये हमने कोशिश की थी। एक बार मैं फिर आसान भाषा में दोहरा देता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक जब भी आप कॉल करेंगे तो हमारे जो स्टाफ होंगे वह स्टाफ फ़ोन को पिक करेंगे। आपको कॉल केवल हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर ही करना है। यदि बहुत अर्जेंट होगा मेरे से कॉन्फ्रेंस कॉल भी करा सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो, और कॉन्फ्रेंस पे डे टाइम पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। दूसरा, 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैं खुद फ़ोन को उठाऊँगा। उस वक्त जो लोग पेमेंट कर चुके हैं यानी जो बुकिंग कर चुके हैं चाहे शादी के लिए या फिर लीगल कंसल्टेंसी के लिए, वह लोग बात कर सकते हैं या फिर जिनको नेक्स्ट डे अर्जेंटली शादी करना है वह भी बात कर सकते हैं। जो सुबह का टाइम है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, उस वक्त भी मैं ही फ़ोन उठाऊंगा और उस वक्त भी आप डायरेक्टली मेरे से आप बात कर सकते हैं और उसमें भी वही लोग फ़ोन करें जिन्होंने या तो पेमेंट कर दिया है शादी के लिए या लीगल एडवाइस के लिए और आपकी बुकिंग हो चुकी है, आपको ज़रूरत है तो आप फ़ोन कर सकते हो और बात कर सकते हो। हमने यह प्रक्रिया बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे और इस प्रक्रिया को ध्यान रख करके आप हमें फ़ोन करें, संपर्क करें, निसंदेह हम आपको पूरी सहायता करेंगे। दोस्तों, मेरा आग्रह आपसे एक और है कि आप 8800444555 के अलावा किसी दूसरे नंबर पर ना तो आप पेटीएम करें और ना ही संपर्क करने की कोशिश करें। केवल एक मेरा पर्सनल नंबर होगा हेल्पलाइन के अलावा जो आपको हम खुद देंगे, केवल उस पर ही आप संपर्क कर सकते हैं, वह भी आपको तब देंगे जब आप बुकिंग करा लेंगे। तो यह प्रोसेस है। अगर इसके बारे में कोई आपके राय और सुझाव हो तो ज़रूर आप अपने कमेंट्स दीजिए, हम आपके सुझाव का स्वीकार करेंगे और उसमें सुधार भी करेंगे। धन्यवाद।